हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सुष्मिता पाठक। सो गाइज, आज के जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये एक वेडिंग सीरीज़ का एक ऐसा पार्ट है जो कि मेकअप से रिलेटेड है। बट मैं स्पेशल इसलिए नहीं कहूँगी, जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी दैट इज़ रिलेटेड टू कि हम मेकअप प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करें, बट उस प्रोडक्ट को हम किस चीज़ से यूज़ करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। दैट्स वाई मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में बाद में आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ कुछ ब्रशेज, क्योंकि सबके मन में एक डाउट होता है कि हमें एक रीजनेबल रेंज में कुछ ब्रशेज मिल जाएँ जिससे कि हमारा मेकअप अच्छे से हो जाए। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ दो ब्रशेस, जिनके मैं आपको पैकेट्स पहले दिखा देती हूँ। एक तो ये है जो कि पूरा टोटल 24 का सेट है, और दूसरा ये वाला है जिसमें कि टोटल 12 हैं। तो ये आपका है फुल फेस मेकअप, मतलब आपका पूरा फेस मेकअप इससे हो जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली उनके लिए है जिनको आई मेकअप के लिए चाहिए। बट अगर एज अ प्रो की मैं बात करूँ तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, बट अगर मैं बात करूँ जब आप प्रो से थोड़ा मीडियम में आ जाते हैं तो आपके लिए ये दोनों की नीड पड़ेगी। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि आपको दोनों की नीड क्यों है। करने को तो आप इससे भी कर सकते हो, बट इसमें क्या थोड़ी सी कमी है ये भी बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे एक वेडिंग सीरीज स्टार्ट की है जिसमें एक लड़की को क्या क्या नीड होती है, कैसे कैसे चीज़ें परचेज करनी चाहिए, सारा कुछ मैंने बता रखा है। सो ये उसका ही एक पार्ट है। बाकी की जो भी डिटेल्स हैं, जो भी वीडियोज़ हैं मैंने जो कि अभी तक अपलोड की हैं, वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका नाम है वेडिंग सीरीज नेम से एक प्लेलिस्ट में फोल्डर होगा, आप उसको ओपन कीजिएगा, आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाने हैं। और बाकी मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ पार्ट बाय पार्ट मेंशन कर दूंगी, और ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं इनके जो भी कोड होंगे, जो भी लिंक होंगे, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, मैं सच बता रही हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उससे भी पहले, अगर हम वीडियो को स्टार्ट करें, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, दैट इज़ अबाउट दिस साड़ी। तो ये साड़ी एक इंस्टाग्राम स्टोर की तरफ से, जिसका नाम है शशि फैशन वर्ल्ड, उनके पेज का जो भी लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो अगर आपको ये साड़ी अच्छी लगेगी तो ज़रूर परचेज कीजिएगा। मैं सच बताऊँ, मैं इसको आज दिन भर से पहनी हुई हूँ, एंड ये जो मेकअप आप लोग देख रहे हो ये पूरा का पूरा मैंने इन दोनों ब्रशेस का यूज़ किया है मिक्स करके। तो वो तो वीडियो आई डोंट नो पहले वो आएगी कि ये जाएगी, बट मैं आपको बता दूं कि मैंने ये सारा जो भी मेकअप था वो इन्हीं ब्रशेस के हेल्प से किया है। बाकी वही सारे मैंने मेकअप वगैरह यूज़ किए हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ एज अ ब्राइड टू भी आपको क्या परचेज करना है। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले मेकअप ब्रश के बारे में, और सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर दूँ, बिकॉज ये इयरिंग मुझे बहुत 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 पसंद आई है, और ये भी एक इंस्टाग्राम स्टोर की तरफ से, तो इसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए फटाक से, जिसका नाम है फिटनेस फ्रीक हाउसवाइफ। और इसको थोड़ा पीछे करते हैं क्योंकि इससे माइक पे थोड़ा सा आवाज़ जा रही है खड़खड़ाहट की, आई डोंट नो, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है माइक में। बट फिर सबसे पहले मैं इसको ओपन करती हूँ, इस पोटली में दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें टोटल जो आपको मिलेगा दैट इज़ 24 ब्रशेज मिलेंगे, जिसका सबसे पहले मैं प्राइस बता देती हूँ क्योंकि सबको जानना होता है कि प्राइस कितना है, पहले ये बता दो मुझे। तो जो इसका प्राइस है दैट इज़ 400 रुपीज़ में आपको टोटल 24 ब्रश मिल रहे हैं। और ब्रश की बात करूँ तो ये इस तरीके से इसका पैकेट है पूरा। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना, कि इस तरीके के जो बैग देते हैं आपके मेकअप को स्टोर करने के लिए, कोई बॉक्स या ये सब खोजना पड़ता है, बट इसको परचेज करने के बाद में आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए एक एक करके सारे ब्रश की बात करेंगे, फटाफट से दिखाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो ये ब्रश है जो कि आपका आप यूज़ करते हो ब्लशर, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से यूज़ करते हो, और ये बहुत ही मतलब अच्छा मुझे लगा। इवन ये कॉम्पैक्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, मैं इसका यूज़ भी करती हूँ कॉम्पैक्ट के लिए, और कभी कभी जो है दूसरा एक ब्रश है उसका भी यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये सबसे बड़ा ब्रश है जो कि आपका फ़ैन ब्रश है, और ये मैंने थोड़ा सा मोड़ करके रख दिया तो उसके थोड़ी सा दब गया है और बहुत कड़कड़ाहट हो रही, क्योंकि मैंने इसमें से काफ़ी ब्रशेज ऐसे हैं जो कि अभी तक यूज़ ही नहीं किए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जल्दी में ही मेकअप स्टार्ट किया है, तो अब मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ। तो ये ब्रश मुझे लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्टूरिंग वगैरह करनी है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से कॉन्टूर वगैरह करने में उसको अच्छे से मर्ज कर सकते हो, तो ये मतलब उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हाईलाइटर बहुत अच्छे से लगा सकते हो लाइक दिस। मैंने आज इसका यही यूज़ किया, मैंने पतले वाले ब्रश का यूज़ किया, मैं दिखाते जाऊँगी जिसका इसका मैंने आज यूज़ किया है। एंड ये जिसका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद आता है ये ब्रश, और प्लीज़ पॉलिथीन को थोड़ा सा कड़कड़ाहट को थोड़ा मतलब अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद आता है ये ब्रश, तो ये एक फ्लैट ब्रश है जो जिसका यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, अगर आपको फाउंडेशन को अच्छे से लगाना है फाउंडेशन में डिप कीजिए और अच्छे से ऐसे मतलब आप फैला सकते हैं, या फिर आपने डैप डैप करके लगा लिया उसको भी आप अच्छे से पूरे फेस पे अच्छे से मतलब फैला सकते हैं। तो इसका यूज़ काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही हैंडी होता है, क्योंकि ये
इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस तरीके की ब्रशेस की। तो इस तरीके के जो ब्रश होते हैं वो थोड़े से साइड से तिरछे होते हैं, तो लाइक कभी कभी क्या होता है जैसे कॉम्पैक्ट लगाना है, ठीक है, आप वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसके कोने होते हैं ना थोड़े से ये होते हैं शार्प होते हैं, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका यूज़ आप जो है करते हो कॉन्टोरिंग के लिए भी करते हो, और इसके अलावा और भी बहुत जगह पर इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने देखा है काफ़ी लोग कॉन्टोर में भी करते हैं, काफ़ी लोग ब्रॉन्जिंग के लिए करते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं कौन किसको किस तरीके से यूज़ करता है। कई लोग पाँच ही से ब्रश यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं भी इतने ब्रश नहीं यूज़ कर पाती हूँ, बट अच्छा लग रहा था तो मैंने भी ले लेता। तो मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ इस ब्रश को यूज़ करती हूँ, जो कि ब्लश के लिए हो या फिर कॉम्पैक्ट के लिए हो, तो मैं सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये गोल सा भी है और थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा सा आराम रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ये है फ्लैट ब्रश। तो फैन ब्रश जो है ये सेम बड़े वाले का छोटू सा पार्ट है, तो सबसे ज़्यादा मैं इसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि हाइलाइटर लगाने के लिए क्या होता है, मुझे थोड़ा सा हाइलाइटर चाहिए था, बड़े वाले में क्या था थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो जैसे आपने जस्ट इस तरीके से कर लिया तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत ही पतला सा है। तो और ये चीज़ और बता दूँ कि जितने भी ब्रश हैं तो इनके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं निकलते, थोड़ा बहुत तो निकलते हैं। देखो आप कोई भी ब्रश लोगे, बहुत अच्छी क्वालिटी लोगे तो भले इसमें ना निकले, बट थोड़ा सा जो लोअर में आता है उसमें थोड़ा बहुत निकलते हैं। जैसे मैं अभी इसमें खींच रही हूँ तो अभी नहीं निकला, बट स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत निकला था जब मैंने स्टार्टिंग मंगाया था। तो नेक्स्ट ये वाला आ गया, इसको कई लोग यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पर अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है, लाइक इस तरीके से कुछ मेन पॉइंट पर अगर आपको हाईलाइट करना है तो आपको इस तरीके के ब्रश यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पफी सा है, तो ये थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर मुझे लाइक यहाँ पर हाईलाइट करना है। कई बार आप देखते हो कई सारे यूट्यूबर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत काम करता है। नेक्स्ट ये आता है आपका आईब्रोज़ को सेट करने के लिए, पहले कॉम कीजिए फिर इससे अच्छे से ब्रश कीजिए, तो मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ। इसके बाद हम यूज़ बताती हूँ मैं आपको स्पूली, जो कि आपकी आईब्रोज़ को इस तरीके से सेट कर देती है थोड़ा सा, लाइक अगर इधर उधर बिखरी हुई है तो उसको थोड़ा अच्छे से मतलब सेट कर देती हैं। नेक्स्ट जो भी हैं, अब ये सारे आई मेकअप के लिए हैं बट मुझे यूज़फुल नहीं लगे, बिकॉज मैं एक चीज़ बोलूँगी जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं आपको भी आगे बताऊँगी, इसमें हो या फिर कम रेंज वाले जितने भी आपको मिलेंगे ब्रशेस, उसमें आईलाइनर लगाने के लिए, सॉरी आई शेडो लगाने के लिए कोई भी अच्छे ब्रश नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी यूज़ किया है बट वो अच्छे से आपका मर्ज नहीं कर पाता है। जितना आप अच्छे से ब्लेंड करोगे ना उतना अच्छे से आपका आई शेडो निखर के आता है। एंड स्टार्टिंग मुझे यही दिक्कत होती थी, मुझे नहीं समझा मैं क्या गलती करूँ, बट धीरे धीरे मैंने सीखा। और जो सेकेंड ब्रश अभी मैं दूसरा जो बताने वाली हूँ उसके बारे में सारी डिटेल बताऊँ, क्योंकि मैंने उसको किसी प्रोफेशनल इंसान से पूछा है और उसके सजेशन पर मैंने वो ब्रश लिया था। वीडियो का थोड़ी लंबी हो तो भैया माफ़ करना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है आपको इसी एक वीडियो में। तो ये रही, नेक्स्ट ये रहा, देखिए फ्लैट है, कभी कभी आप इसका यूज़ फाउंडेशन वगैरह के लिए भी कर सकते हो, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद के तीन चार ऐसे ब्रश हैं जो कि एक जैसे ही हैं, आई मतलब मेनली आपके जो है आई शेडो के लिए ही हैं इस तरीके के ब्रशेज। तो मैं ये कह सकती हूँ इसमें कुछ ब्रश ऐसे हैं जो कि मुझे सिमिलर ही लग रहे हैं, जैसे ये छोटे छोटे ब्रश हैं इनका भी यूज़ वही सेम है। तो मैं सबको एक एक करके ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रश हैं जो कि मुझे, ये देखिए अभी जैसे ये है, इनका यूज़ आप कर सकते हो लाइक हाइलाइटर के लिए। हाइलाइटर अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो, और क्योंकि आप नहीं चाहते हो पूरा नीचे तक जाए, क्योंकि क्या होता है जो आपका फैन ब्रश होता है ना उससे काफ़ी नीचे भी झड़ता है, और इस तरीके से आप स्पेशली कुछ पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर लेते हो। तो इस तरीके के जैसे ये एक जैसे कई मतलब ब्रश मिल जाते हैं आपको इसी में। इसके अलावा यहाँ पर ये दोनों भी हैं, तो इनका यूज़ आप कर सकते हो, लाइक ये वाला जो है ना ये पतला सा ब्रश है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, लाइक जो यहाँ पे आप नीचे जैसे आपको लगाना है कोई आई शेडो या फिर कभी कभी आपको काजल को मर्ज करना होता है तो आप ये पतले ब्रश का यूज़ करो, ये बहुत अच्छा होता है इसके लिए। इसके अलावा ये भी सेम वैसे ही है छोटू सा, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो ये वाला दिख रहा है ना आपको छोटू सा एकदम, तो ये आपका जो ये आईलाइनर होता है इसको फिल करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। मैंने इससे फिल किया है पहले भी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा टिल्ट होता है इस तरीके से होता है, तो आप देख रहे हो ना ये जो इसका एज है ये वाला, आप इस तरीके से जब ऐसे करते हो तो पूरा एक शेप बन जाता है आपके आई मतलब आईब्रोज़ का। और ये है आपका आईलाइनर लगाने के लिए ब्रश, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, बट ये बहुत पतला सा है, मैंने अभी तक इसका यूज़ नहीं किया है, बट काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा होता है बट मैंने नहीं यूज़ किया है। नेक्स्ट आपका ये पफी सा ब्रश है जो कि आपका इसलिए होता है कि अगर आप कोई आई शेडो चाहते हो कि ब्लेंड होकर के ना गिरे तो आप इससे जस्ट रगड़ के लगाइए और यहाँ पे धीरे 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 इसको टैप टैप करके अपनी आईलिड्स पे जो है इसको कर दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो आई शेडो है वो गिरता भी नहीं है और बाद में आप इसको किसी अच्छे से ब्रश के हेल्प से अच्छे से उसको मर्ज कर लो। तो ये रहा, इसके अलावा ये रहा सेम, मतलब कुछ कई इसमें ब्रश ऐसे जो कि मुझे सेम ही लगे हैं।
जो उसके अलावा दो ब्रश बचते हैं, इसका मैंने हद से ज़्यादा यूज़ किया। आप देख रहे हो मैंने बहुत सारा लगा हुआ है क्योंकि मैंने इसका बहुत यूज़ किया है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने किया है अपने मतलब आई शेडो लगाने में, सबसे ज़्यादा मैंने इसका यूज़ किया, क्योंकि जो इसका ये चीज़ है ना, ये दैट इज़ बहुत हैंडी लगता है मुझे। और ये वाला तो मैंने यूज़ किया है आई थिंक मर्जर के लिए, बट अभी नहीं, आज के मेकअप में मैंने बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है, आई शेडो में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है इसका। चलिए तो फिलहाल बात कर लेते हैं, ये तो हो गए 24 जो कि आपको सेट दिखा दिया। अब मैं बात करूँगी जो हमारा आज का सबसे खास चीज़ है, दैट इज़ 12 सेट जो कि आई लाइनर मतलब आई शेडो के लिए बहुत ही परफेक्ट है, तो मैं वो आपको फटाफट से दिखा दी। तो गाइज दूसरा जो हमारा कॉम्बो है वो है ये, और ये मैंने स्पेशली मंगवाया है बिकॉज मैं नहीं सेटिस्फाइड थी आई शेडो लगाने में, क्योंकि मेरा मतलब मेकअप उतने अच्छे से इन्हेंस होके नहीं आता था। बट आज आप देख रहे हो मैंने मतलब इसी की हेल्प से किया है, और जो आपका मर्जर होता ना वो बहुत अच्छे से हो जाता है, ब्लेंडिंग जिसको कहते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप आज बहुत 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 अच्छा हुआ है, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड ये मेकअप लुक ज़रूर आएगा मेरे चैनल पर, अभी एक से दो दिन बाद आएगा मे भी। तो फिलहाल आपको दिखा देती हूँ, ये जो ब्रांड है दैट इज़ स्टार्ट मेकर्स, बहुत ही अच्छी ब्रांड है। एंड मेरी किसी बहुत खास ने बताया, जिसको कि मेकअप की बहुत नॉलेज है, वो ऑलरेडी इसमें कोर्स कर रही है मेकअप का, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, एंड मुझे लिटरली बोलूँ बहुत अच्छी परचेज लगी। और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 429 रुपीज़, और ये मैंने अमेजन से लिया, ये मैंने अमेजन से लिया है। एंड सेकेंड वाला आई थिंक मैंने फ्लिप नहीं, दोनों ही मैंने अमेजन से लिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, तो ये इस तरीके का, पहली बात तो इसमें भी पाउच दे रखा है, तो मैं इसको इसीलिए अलग अलग रखी हुई हूँ इस तरीके के पाउच में। बाकी इसके अंदर ये टोटल 12 ब्रश है, मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। पॉलीथीन बहुत ज़्यादा खड़खड़ाती है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये कुछ ब्रशेज़ जो कि आपके ब्लेंडिंग के लिए हेल्प करते हैं, बिकॉज़ क्या होता है ना, ब्लेंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इसका आज यूज़ भी किया है, तो ये इस तरीके के जो ब्रश होते हैं ना, जो थोड़े से पफ़ी से होते हैं, इस तरीके के ब्रश, ये ब्रश जो होते हैं ये स्पेशली आपके आई शेडो के लिए थे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बट क्या होता है ना, ये इस तरीके के ब्रश को आप जब इस तरीके से घुमाते हैं, तो आपका जो आई शेडो आप यूज़ करते हो ना, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और आज आपको मेरा मेकअप बहुत फ्लॉलेस लग रहा है बिकॉज ऑफ मैंने ब्लेंडिंग बहुत बहुत अच्छे से की है, क्योंकि मैंने ये ब्रशेज़ का यूज़ किया है। मैंने सिर्फ यही ब्रश का यूज़ किया है ब्लेंडिंग के लिए, अभी इन तीनों का नहीं किया है। तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, और ये तीनों, ये दोनों तो एक जैसे हैं, ये थोड़ा सा मतलब लाइक कभी जैसे आपको डायरेक्ट आई शेडो को लगाना और धीरे धीरे सिर्फ ऐसे पुट करना हो तो उसके लिए है। तो ये चार हो गए। इसके अलावा ये आता है आपका जस्ट लाइक आपको जो है आई शेडो को जस्ट पिक करना है, और हल्का सा धीरे 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 ऐसे ऐसे सिर्फ इसको पुट करना है। और इसके अलावा ये भी सेम वही है, तो इसमें भी एक दो चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं, बट जैसे कभी वो ख़राब हो गए तो आपने उसका यूज़ कर लिया, अगर आप उसको नहीं धुल पाए हो तो, क्योंकि हर दिन आप इसको धुल भी नहीं सकते हो। ये है आपका सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, आईब्रोज़ के लिए है, और ये बहुत अच्छे से फिल करता है। मैंने आज इसी से इसको फिल किया है बिकॉज़ जो मेरे को मिला हुआ है उसके साथ में वो इतना हैंडी नहीं है, बहुत छोटू सा है, जो मैं मतलब आईब्रोज़ के लिए जो मैंने ब्रो किट यूज़ की है तो उसमें बहुत छोटू सा मिला। ये भी एक ब्लेंडिंग वाला हो गया। एंड नेक्स्ट ये भी वही सेम फ्लैट ब्रश हो गया। इसके अलावा ये छोटू सा है, लाइक कभी कभी क्या होता है आपको सिर्फ यहाँ के एज के करने होते हैं अच्छे से ब्लेंड, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है ये ब्रश। और ये रहा आपका आईलाइनर लगाने के लिए, बहुत ही पतला है ये, उसके जो जो इसके पहले वाला मैंने आपको दिखाया था उसका आईलाइनर वाला मुझे नहीं अच्छा लगा, बट मैं इसका यूज़ करूँगी, ये मुझे अच्छा लगा है। इसके अलावा मैंने इसका यूज़ किया है लाइक यहाँ पर आपके जो नीचे के यहाँ पर आपको फैलाना होता है ना, काजल फैलाना हो या फिर कोई भी चीज़ जब चमकाने के लिए यहाँ पर लगाते हैं, तो ऐसे ब्रश जो एकदम पतले पतले से होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मैंने आज यहाँ पे यूज़ भी किया है नीचे जस्ट, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये रहे मेरे सारे के सारे जो भी आइडियाज़ थे रिलेटेड टू मेकअप ब्रशेस। तो अगर आपको भी परचेज़ करना हो तो मैं इनकी बाय लिंक नीचे दे रही हूँ, तो आप उस लिंक से जा करके डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो। एंड जो ये 12 का जो मैंने सेट बोला है, ये मतलब मस्ट हैव है अगर आप प्रोफेशनल हो रहे हो तो। बहुत महंगे में जाओगे तो बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, बट अगर कम की बात करूँ 429 रुपीज़ में आपको जो ये आई शेडो का मिल रहा है ना, आप इसको लेकर के कभी नहीं पछताने वाले हो। और जो है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो जो इनके जो ब्रश हैं वो बिल्कुल भी निकलते नहीं है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी, अगर मेरी तरफ से मतलब बिल्कुल मैं बोलूँगी कि आप परचेज़ कर सकते हो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी मेकअप में बिगनर हैं और उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी चाहे शादी होने वाली हो, या फिर हो चुकी हो, या फिर आप टीनेजर हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होगी। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को खूब सारा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना
इतना सारा प्यार देते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।